युवक को धम्पद नंबर गाथा कथा 37 37 नंबर। ये 37 नंबर की जो कथा है और गाथा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार है। अगर आपने शेख चिल्ली का नाम सुना हो या एक शेख चिल्ली की कहानी जो बचपन में सुनाई जाती है तो वो कहानी इसी कहानी का एक अलग रूप कह सकते हैं या उस कहानी से मिलती जुलती कहानी कह सकते हैं। एक संरक्षित सावधी के अंदर संरक्षित करके एक भिक्खु थे जो विनय के नियम के बड़े पक्के थे, धम्म के नियम, संघ के नियम बहुत ज्यादा से अक्षर पालन करते थे, जैसे भगवाने भगनवाने भगनवंतु ने वेदांत गुरु ने बता दिए वैसे ही बिल्कुल से अक्षर पालन किया करते थे। उनकी एक बहन थी, बहन को पाली के अंदर भागिन बोलते हैं, तो उनकी जो भागिन थी उसको एक बेटा हुआ और चूंकि संरक्षित भिक्खु बन चुके थे और बड़े नामी भिक्खु थे इसलिए उनकी बहन ने अपने पुत्र का नाम उसी जो भाई थे यानी जो संरक्षित भिक्खु थे उनके ऊपर रखा, तो उनका नाम पड़ा, बच्चे का नाम पड़ा भागिने संरक्षित, यानी के भागिन का बेटा संरक्षित। भागिने जब बड़ा हुआ तो अपने मामा को देख के उसका मन भी धम्म में जाने के लिए मचलने लगा और उसने भी जो संपदा है उपसंपदा है वो ली और वहां सामनेर का जीवन व्यतीत करने लगा, साधना में रत रहने लगा। जब वो भागिने संरक्षित यानी संरक्षित का जो भांजा था, उनकी जो बहन का लड़का था जो सामनेर हो गया, जब वो एक गांव में ठहरा तो वहां वर्षावास का समय चल रहा था। वर्षावास के समय उसको दो चीवर दान में मिले। दो चीवर दान में मिलने पे एक चीवर उसने रखा अपने मामा के लिए क्योंकि मामा से वो बहुत ज्यादा प्रेरित था, मामा उसके लिए सब कुछ थे, बड़ी श्रद्धा थी, बहुत ज्यादा मामा का मान था सम्मान था। तो उसने कहा कि मामा को एक चीवर दूंगा तो मामा खुश होंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ऐसा मन में बना के उसने चीवर को संभाल के रखा। और जब वो सावित्री पहुंचा तो वहां जाके उसने वो चीवर अपने मामा को दिया। चूंकि मामा संघ के नियमों के धम्म के नियमों के बहुत पक्के पालक थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो चीवर है और अभी वो फटा नहीं है इसलिए मुझे चीवर की आवश्यकता नहीं है, जिस किसी और भिक्खु को चीवर की आवश्यकता है आप उसको दे दो या इसे संघ में जमा करा दो। ये सुनकर क्योंकि जो भागिने संरक्षित था वो छोटी उम्र का था, अभी बच्चा था, तो उसके दिल को बहुत ठेस लगी। उसे सोचा कि मामा जी मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत मान सम्मान देंगे, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और यहां तो सारा उल्टा हो गया। उन्होंने एक तरह से धुतकार दिया और ये उसके मन को बहुत ज्यादा ठेस लगी। उम्मीद से परे जो बातें, जो इच्छा उसकी उत्पन्न हुई थी, जो राग उत्पन्न हुआ था उसके विपरीत, उसके बिल्कुल उलट बात हो गई। बात उसके मन में रही। एक दिन वो जब उसके मामा संरक्षित सो रहे थे जो भिक्खु थे, तो वो उनके ऊपर पंखा झल रहा था, हवा कर रहा था। हवा करते करते उसको यहां ध्यान आया कि यहां मेरी कोई इज्जत नहीं है और यहां मुझे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे मामा ने मेरी कुछ बात रखी नहीं, मेरा बड़ा दिल टूटा है, मुझे ग्रस्त आश्रम में चले जाना चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए और शादी करूंगा तो मेरे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे घर गृहस्थी होगी, घर गृहस्थी होगी तो मेरी पत्नी होगी, पत्नी होगी तो बच्चा होगा, बच्चा होगा तो बच्चे को लेके हम आएंगे, बच्चा हाथ से छूट जाएगा या गाड़ी से गिर जाएगा, मैं बच्चे को अपनी पत्नी से मांगूंगा और वो देगी नहीं, इस छीना झपटी में बच्चा गिर जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते बच्चा उसके सपनों में गिर जाता है और गिरने के बाद में उन दोनों में आप झगड़ा होता है और वो एक डंडा उठा के अपनी पत्नी को मारता है। उधर वो सपने में डंडा मारता है, इधर सच में जो वो पंखा जल रहा है वो पंखा अपने मामा के ऊपर मार देता है। मामा चूंकि पारगामी है, दूर तक का देख लेते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सपने में जिसका सपना ले रहे थे तुमने उसकी बजाय मुझे डंडा मार दिया, मुझे पंखा मार दिया।
उसे यह सुनकर के मामा को कैसे पता चला कि मैं सपने में कोई बात ऐसा सोच रहा था या कर रहा था, बड़ा डर लगा और वो वहां से भागने लगा। तो कुछ भिक्कों ने उसको पकड़कर भगवान के सामने पेश किया। तब भगवान ने ये गाथा कही सावित्री के अंदर। गाथा इस प्रकार है, दुरंगमंग एक चरंग ए शरीरंग गुहा सयंग ये चित्तंग संयमेशति मोक्षन्ति मार बंधना। दूरंगमंग, दूरंगमंग का मतलब है दूर तक जाने वाला। ये जो बता रहे हैं भगवान गाथा में, ये चित्त की और मन की बात बता रहे हैं। दूरंगमन यानी कि ये दूर तक चला जाता है। आपने भी देखा होगा कि मन कभी घर में है, कभी बाहर है, कभी छुट्टियों में जहां बिताई है वहां है, कभी अमेरिका के सपने हैं, कभी जापान के हैं, कभी अंतरिक्ष के हैं। एक सेकंड में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, यानी दूरंगमन है, दूर तक जाने वाला मन है, चित्त है, माइंड है। एक चरंग, एक चरंग का मतलब है कि अकेला चरता है, यानी अकेला ही जाता है, साथ किसी को लेकर नहीं जाता, अकेला ही दूर दूर तक भ्रमण करता है। ए शरीरन का मतलब है कि इसका शरीर साथ नहीं होता, यानी शरीर वहीं रहता है और यह दूर तक चला जाता है और अकेला जाता है। गुहा संयंग, गुहा माने जो होता है गुफा होता है, और संयंग माने उसमें रहने वाला होता है, यानी कि ये गुफा में रहता है, छुप कर रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, यानी कि मन आपका कहां से कहां पहुंच गया, अकेला जाता है, शरीर यही है और छिपके जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे आप अचानक ही से पूछते हैं कि भाई आपका ध्यान कहां है, आप कहां सोच रहे थे, कहां गुम हो गए, कहां की सैर कर रहे हो, तो आदमी या कोई औरत है तो वो झेप जाते हैं, कहते नहीं मैं यही हूं। बेसिकली उनका शरीर भी यही है, वो यहीं पर स्थित है, मगर वो बात को छुपा जाते हैं क्योंकि उनका मन कहीं का कहीं घूमता रहता है, फिर वो यहां प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर मन भाग जाता है, चित्त चलता रहता है, माइंड चलता रहता है। ये चित्तं संयम मेसंति, संयम मेसंति का मतलब है ये चित्तं यानी जो जो मन है, ये माने जो और चित्त माने मन है। मे संयंती का मतलब कि जो इसको संयत में करेगा, इसको काबू में करेगा, इसको बंधन में करेगा, इसको दमन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, जो मन को कंट्रोल करेगा, अपना साध लेगा, अपने वश में कर लेगा। मोक्षन्ति मार बंधना, मोक्षन्ति मार बंधना का मतलब है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, वो मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त होता है, किससे, मार बंधन से, मार से के बंधन से। मार बंधन, मार बार बार आएगा। मार का जो वीडियो मैंने बनाया है वो जरूर आप देखें, उसमें मैंने बताया है कि मार कितने प्रकार का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है मार का। धम्म अगर सीखना है तो मार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 10 प्रकार की मार है, वही मार चलेगी दुनिया में हर एक मनुष्य में, चाहे वो अंग्रेज है, चाहे फ्रेंच है, चाहे जर्मन का है, चाहे अरब का है, ईरान का है, उर्दू का है, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ज्यूज है, किसी जाति किसी धर्म का सिर्फ मनुष्य है, चाहे पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है या छोटा है या बड़ा है। 10 प्रकार से दुख आता है मनुष्य के शरीर में, उसको मार बोलते हैं, यानी वो मार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, दुख के बंधन से मुक्त हो जाएगा, जो अपने मन को संयत कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ये मन बहुत दूर तक जाता है, अकेला जाता है, ये बिना शरीर के जाता है और ये छुप कर जाता है, जैसे गुफा में रहता है। ऐसा करके उन्होंने गाथा का अर्थ बताया और गाथा बताई, जो बहुत ही प्रमुख गाथा है चित्तवक्की, गाथा नंबर 37। धन्यवाद। Time.